सलार मूवी मतलब प्रभास के फैन पागल होने वाले ये मूवी देखने के बाद, क्योंकि इस मूवी को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है जिन्होंने केजीएफ मूवी को डायरेक्ट किया है। तो बिना देरी करे सलार के रिव्यू के बारे में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो वेल हेलो मेरे यारो। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि प्रभास की ये सलार मूवी केजीएफ के साथ कनेक्ट रहने वाली है क्या? तो मैं बोलने वाला हूँ ना, सलार मूवी केजीएफ से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। हालांकि इसके स्टार्टिंग में एक बड़े अक्षर में लिखा आता है कुछ तो भी, और वो देखने के बाद मैंने सोचा कि हो सकता है कनेक्टेड, पर पूरी मूवी देखने के बाद भी मुझे वो कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया। तो बिना देरी करे सलार के शॉर्ट स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो स्टोरी में हमें खानसार नाम की जगह दिखाई जाती है जिसके गद्दी के लिए कई सारे लोग झगड़ते हैं, और वहां आपको दो दोस्त दिखाए जाएंगे जो एक दूसरे के ऊपर जान निछावर कर सकते हैं। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वो दोस्त से दुश्मन कैसे बनते हैं वो आपको मूवी में देखना पड़ेगा। और जो मैंने स्टोरी बताया उसमें मैंने कुछ भी स्पॉइल नहीं किया है। और अगर आपने केजीएफ मूवी देखा है तो उसमें के डायरेक्टर, राइटर, स्क्रीन प्ले सारे कॉपी पेस्ट किया गया है सलार में, जिसका म्यूजिक इतना इंटेंस है वो सुनने के बाद आपके रोंगटे जरूर खड़े होने वाले हैं। पर इसके फर्स्ट हाफ के बारे में बात करूं तो काफी ओवर लग रहा था। सलार अगर किसी के सामने आ गए तो सब जन डर के पीछे हट रहे थे, जो देखने में काफी ऑड लग रहा था। पर जैसे इसका सेकंड हाफ चालू होता है आपको पूरा पास्ट दिखाया जाता है, और वो पास्ट में आपको पता चलेगा कि देवा मतलब प्रभास इतने खूंखार क्यों है, सब लोग उससे डरते क्यों है। और इसमें जो एक्शन सीन्स है वो देखने के बाद आपको केजीएफ की याद आने वाली है। वही एक्शन सीन, वही स्लो मोशन, वही शटर वाले एक्शन। अगर इस मूवी को ए रेटेड मिला है तो उसके एक्शन सीन्स के वजह से है। बाकी इस मूवी में कुछ भी ऑड नहीं है या एडल्ट है। अगर आप मास एंटरटेनमेंट मतलब एक्शन मूवी के दिलदार हो, भक्त हो और केजीएफ के फैन हो तो आप केजीएफ पार्ट 3 देखने के लिए रेडी हो जाओ, मतलब सलार। वैसे तो केजीएफ और सलार की स्टोरी दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है, पर क्या पता आगे जाके कैसे भी प्रशांत नील इसे कनेक्ट कर ले। तो मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। एक्शन मूवीज लवर जरूर इस मूवी को देखने जाना। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में। टाटा।